फ्रेंड्स नमस्ते। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पनीर मैगी की रेसिपी। तो चलिए झटपट पनीर मैगी बनाना शुरू करते हैं। पनीर मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 2 मैगी। यहाँ है मैगी का मसाला, थोड़ा सा शिमला मिर्च, 1 प्याज, थोड़ी सी पनीर और 1 टमाटर। इन सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। इधर पैन गर्म हो गया है, पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो गई है, तेल में डालने में थोड़ा सा जीरा और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीरा लगा कर रखा है। जीरा कटर गए हैं, इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च यहाँ अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक भून गई। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को भी थोड़ी देर भूनने के बाद हम मसालों को ऐसे साइड कर देंगे और बीच में डाल देंगे पनीर। ऐसे करने से क्या होगा, पनीर अच्छी तरह से भून जाएगी, पनीर को अलग से भूनना नहीं पड़ेगा। ऐसे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में रख के हम पनीर को थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पनीर थोड़ी बहुत भून गई है। अब हम मसालों के साथ पनीर को मिक्स कर देते हैं और दूसरे हाथों से चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो पनीर टूट जाएंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होता है। देखिए यहाँ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पैकेट मैगी मसाला, और 1 पैकेट मैगी मसाला का यूज हम बाद में करेंगे। मसाला डालने के बाद और थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। ज्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस थोड़ी देर। मैंने यह मैगी को ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में तोड़ दिया है। यहाँ मसाले भी भून गए हैं, अब हम मैगी को इसमें डाल देंगे। मसालों के साथ मैगी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ी देर। मसालों के साथ मैगी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मैंने मसालों के साथ यहाँ मैगी को थोड़ी देर के लिए भून लिया है। मैगी को ऐसे भून कर बनाने से मैगी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। अब डाल देंगे पानी। जैसे सारा मैगी पानी में डूब जाए हम उतना ही पानी डालेंगे। अब मैगी को ढककर पकने देंगे, बीच बीच में चेक करते हुए चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैगी का पानी बहुत कम हो गया है और मैगी अच्छी तरह से पक गई है। 1 पैकेट जो मसाला बचा हुआ था अब हम उसे डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मैगी में मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैगी अच्छी तरह से पक गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। मैं आप सबको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मैगी सर्व करने के लिए रेडी है। मैंने मैगी को गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके डाल दिया है। देखिए देखने में कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। यदि आप सबको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।